कि एक समय की बात है, राजा वीर विक्रमा जी तामोल नगरी में शहर कर रहे थे। चलते चलते खांडेराव परी के महल के पास पहुंचे, तब सामने खड़ी हुई महल के ऊपर खांडेराव परी अपने केस सुखा रही थी। जब वीर विक्रमा जीत को देखा तो न्यू कहने लगी कि आका देख बटे हूँ मूर्ख, अरे ठोक कर लागे पाबिड़ के, और खांडेराव परी ने मानस लाखों घेर दिए गढ़ के। इतनी बात जब वीर विक्रमा जीत ने सुनी तो छाती में सेल से गड़ गए। वापस अपने महलों में पहुंचे, रानी रतन कौर ने राजा वीर विक्रमा जीत को उदास देखा तो पूछने लगी, महाराज उदास हो, क्या है आपका उदासी का कारण? तो न्यू कहने लगे, रानी आज मैंने खांडेराव परी को देखा, और जब मैंने खांडेराव परी को देखा तो उसने मेरे बोली के तीर मारे, मैं उसका कमंड तोड़ना चाहता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। रानी रतन कौर न्यू कहने लगी, महाराज शादी करना चाहते हो तो अपने पिताजी से कहकर मैं आपकी शादी खांडेराव परी से करवाऊंगी। रानी रतन कौर राजा श्याम धाम की लड़की थी, अपने पिताजी को और राजा वीर विक्रमा जीत को शादी का प्रस्ताव लेकर खांडेराव परी के पास भेजती है। खांडेराव परी न्यू कहने लगी, शादी तो कर लूंगी, लेकिन शादी जब करूंगी जब मेरी शर्तों को मंजूर करेगा। कौन कौन सी शर्त, कितनी शर्त रखती है, आइए सुनते हैं रागनी। पगाड़ी होगी हंसी के पुगानी होगी आसी खेल नहीं से। पहली लाइनों में कौन सी शर्त रखती है, क्या कह लगी? कूंगी कदे बाज के तेज बिछाऊना, सेज सेज पाटे कूंगी कदे बाज के तेज बिछाऊना, तेरे आराम करण की खातिर शतरंज सेज बिछाऊना, बिलंग गलीचे में तेरी कदे करके हेज बिछाऊना, बिलंग गलीचे में तेरी कदे करके हेज बिछाऊना। What?
पंखा झलना मोहरिया सरफी मोहरिया सरफी कणी मणी ते खाली जे बटटोलना मोहरिया सरफी कणी मणी ते खाली जे ओड़ पहर सिंगर कहने तेरी जो पन झाल झकालो ना ओड़ पहर सिंगर कहने तेरी जो पन झाल झकालो ना मैं फिर उसाड़ी जंगल के माँ फिर उसाड़ी जंगल के माँ मेरा गली न केल नहीं से मेरे सोना सते भुगानी हुई हंसी खेल नहीं से सोना सते की पूरी